ग्वालियर के किराए के घर में रहने वाले एक 20 वर्षीय अजय शर्मा नाम के युवक का शव उसी के घर के अंदर कमरे में फांसी के फंदे पर लटका मिला है। बहन जब कॉलेज से लौटी तो मामले का पता चला। भाई को फांसी पर लटका देख बहन के हाथ पांव फूल गए। घटना गोले का मंदिर क्षेत्र के प्रीतम विहार कॉलोनी की है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। जांच पड़ताल के बाद पुलिस को दिए बयान में मृतक की बहन ने बताया है कि उसके भाई के हाथ रस्सी से बंधे थे। भाई को बचाने के लिए उसने स्थानीय लोगों की मदद से सब फंदे से उतारा। उस समय उसके भाई के हाथ रस्सी से बंधे हाथों को उसने खोल दिया था। थाना प्रभारी धर्मेंद्र यादव का कहना है कि घटना की सूचना फोन पर मिली थी कि एक युवक का शव किराए के कमरे में लटका हुआ है और मामला संदिग्ध है। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। भाई अजय को फांसी पर लटका देख बहन ने तत्काल जानकारी मुंबई में रहने वाली मां को दी। मां मौके पर पहुंची, पुलिस से बात की और कहा कि बेटे का शव मेरे ग्वालियर आने के बाद ही कमरे से बाहर निकाला जाए। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए युवक के शव कमरे में रखा छोड़ दिया है। अब पुलिस मृतक की मां के ग्वालियर पहुंचने का इंतजार कर रही है। युवक की मां के ग्वालियर पहुंचते ही युवक के शव को कमरे से बाहर निकाल कर आगे की कार्यवाही की जाएगी। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602888 5990 पर।